प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स का सीजन 7 आ गया है। सीजन 6 में कैरेकिन मैप ने विकेंडी को रिप्लेस करा था, ये सीजन अब विकेंडी को वापस ला रहा है और वो भी काफी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स के साथ। तो चलो देखते हैं कि ये नया विकेंडी कैसा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरे मैप को एक एस्थेटिक ओवरहॉल दिया गया है जैसे एरेंगल को सीजन 4 में मिला था। पहली चीज जो आप मैप पे उतरते ही नोटिस करोगे वो है कि स्नो कवर को काफी रिड्यूस कर दिया गया है। डेवलपर्स के हिसाब से ये प्लेयर्स की विजिबिलिटी काफी इंप्रूव कर देगा। स्नो कवर कम करने के साथ स्नो बाइक्स और स्नो मोबाइल्स को भी हटा दिया गया है। अब आपको कार्स और बाइक्स इजीली मिल जाएंगे ताकि मैप में ट्रैवल करना प्लेयर्स के लिए इजी रहे। मैप में ट्रैवल करने के लिए एक और नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी ऐड हुआ है, वो है ट्रेन। ये ट्रेन्स एपेक्स लेजेंड की तरह पूरे मैप पे चक्कर काटती है। ट्रेन के पाथ में कई जगह ट्रेन स्टेशंस भी हैं जहाँ पे ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकता भी है। ये ट्रेन्स मैचेस में कहीं हाई ऑक्टेन चीज की अपॉर्चुनिटी ऐड कर देगा, जैसे कि आप ट्रेलर में देख सकते हो। बट गलती से भी ट्रेन के सामने मत आना। विकेंडी के मैप पे कई लैंडमार्क्स थे, इनमें से आपको काफ़ी जगह चेंजेस इजीली दिख जाएंगे। सबसे मेजर चेंज आया है डायनो पार्क में, जिसका नाम अब डायनो लैंड रखा गया है। ये नया अम्यूजमेंट पार्क काफ़ी लाइवली है देखने में, और एटलीस्ट देख के लगता है कि कभी लाइवली हुआ करता था। इस एरिया में नए शॉप्स और म्यूजियम्स भी ऐड करे गए हैं। पार्क में इतने स्ट्रक्चर्स ऐड होने की वजह से ये एरिया और डेंजरस हो गया है। एनिमीज यहाँ ईजिली कैंप कर सकते हैं, तो यहाँ कॉशन लेना ज़रूरी होगा। डायनोलैंड से इंस्पायर्ड स्किन्स और टी शर्ट्स भी ऐड हुए हैं गेम में। डायनोलैंड के चेंजेस के साथ साथ और एरियाज में भी काफ़ी कुछ बदला गया है। एबी वाले एरिया को माउंट क्रेजनिक में रिलोकेट कर दिया गया है। वॉलनोवो विकेंडी की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक है, और अपडेट के बाद इसे कवर को और बढ़ा दिया गया है। कुछ एरियाज जैसे तोवार और मोवात्रा को हटा दिया गया है, और अब आप विकेंडी क्लियर और स्नोई वेदर में खेल सकते हो। मूनलाइट का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, बट कुछ विजुअल इंप्रूवमेंट्स के बाद वो वापस गेम में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा मैप में कुछ जनरल ऑप्टिमाइजेशंस करे गए हैं। ये नया विकेंडी मैप में आप कस्टम मैचेस भी खेल पाओगे। इस अपडेट में कई क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स भी हुई है, जिससे मैच मेकिंग और नेटवर्किंग और स्मूथ हो जाएगी। तो ये थी PUBG सीजन 7 की चेंजेस और नया ओवरहॉल विकेंडी। आपने विकेंडी को कितना मिस किया था और क्या आपको नया विकेंडी पसंद आया, वो हमें आप कॉमेंट्स में बता दो। और अगर आपको PUBG खेल के पैसे जीतने हैं या फिर इस गेम के बारे में अपडेटेड रहना है, तो गेमिंग बंकर डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड जरूर करिए।